असेंबली पॉइंट पता ही ना, आपातकाल में हम लोग जाते हैं, वो पॉइंट कहाँ है मतलब कहाँ पहुँचना है, सबसे पहला कौन देगा जवाब? एलएनडी ऑफिस के पास। और कोई जवाब देने जाते हैं? आप बोलिए। हाँ क्या बोला? एलएनडी पास हो गया, सबसे पहले उसने दिया। आपका नाम क्या है? येवलक को जोरदार ताली बजाओ। बहुत नहीं, मेरा कहना है जैसे उन्होंने बताया सभी लोगों ने जान लिया ना अभी, ये सवाल अगर करेंगे तो बताना, ये खाली बताने के लिए नहीं है, सवाल जवाब नहीं है। अगर कुछ दुर्घटना हुआ, कुछ अगर तूफान आ गया, आंधी आ गया, भूकंप आ गया, कहाँ पे जाना है पहले? ऑफिस के सामने जाना, मेन ऑफिस के सामने। फिर बाद में एक टीम बनाएंगे हमारा, फिर ढूंढेंगे जो मिसिंग हो गया, फिर उसको ढूंढेंगे कि ये आदमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम आएंगे। पहले खुद को बचा लीजिए पहले वहाँ पे दौड़ के, आप समझ गए ना? क्योंकि अगर हम रहेंगे तो बाकी सब लोग रहेंगे, हम ही नहीं रहेंगे फिर बाकी को कैसे बचाएंगे? ठीक है, ओके। दूसरा सवाल, चोट अगर लगी यहाँ पर इस वक्त तो कहाँ जाना है? हाथ खड़ा करो, बोलिए। फर्स्ट एड तो बोल सकता है? फर्स्ट एड कहाँ है? फर्स्ट एड किधर है? नाम बताओ। राजू को, ओके। दूसरा सवाल, एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम नंबर बताओ, मोबाइल नंबर। 108 सर। ये साइट का एम्बुलेंस ड्राइवर का मोबाइल नंबर याद है किसी को? नहीं है? कुछ नाम याद है? नाम एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम नहीं है, ठीक है। इस सवाल को जवाब दूंगा उसका, कभी भी है ना, वो SN राजू है उसका नाम, और वहाँ पर जो नाम जो बोलता है 9870109090 लिख के लो, मैं बाद में नंबर दूंगा आपको, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट कितने ऊंचे स्तर पर पहनना चाहिए? 1.8। और कोई? 1.8 सर। किसने बताया? 1.9। ओके, नाम बताइए। विनायक कुमार चौधरी। हाँ विनायक कुमार चौधरी, ब्लैक मैन। ओके, वेरी गुड। दूसरा सवाल, होम लिफ्ट का स्विच कितने होते हैं? सेफ्टी स्विच होम लिफ्ट पर कितने होते हैं? लिमिट स्विच कितना रहता है? 2 रहते हैं। नाम बताओ। आपका नाम? ना निरंजन, जोरदार ताली बजाओ। 2 रहते हैं। सबको मालूम हो जाएगा ना, आंसर देने का टाइम बता दीजिए कहाँ रहता है, आईडी मालूम हो जाएगा। कौन सा दो स्विच है? सबको बता दीजिए। गाड़ी ऊपर से काम कर रहा है, इमरजेंसी में बताइए। गाड़ी तो वर्कर काम कर रहा है, गाड़ी नहीं चालू हो रहा, ओके, इमरजेंसी में नीचे काम करेंगे। तो एक स्विच हो गया, दूसरी दो स्विच बोला ना आपने, एक सुधा एक तो हो गया इमरजेंसी, उसको नीचे करेंगे तब ना दूसरा बटन। उसका नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? लिमिट स्विच है वो, कहा है? जब चलते तो देखता है ना एंटी टिल्ट होता है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग हम देंगे। चलो बैठिए, नाम लिखा है इनका। इलेक्ट्रिकल फायर हुआ, बिजली का यहाँ पर फायर हुआ तो कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करने का? बिजली का आग लगा है यहाँ पे, बिजली का आग लगा, बिजली समझता है ना? करंट जब आग लगा तो कौन सा एक्सटिंग्विशर लेके दौड़ेगा? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर नाम क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ क्या रहता है उसके अंदर में? क्या रहता है? पानी, केमिकल रहता है। हाँ उसने बोला सी टू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे वाह क्या बात है यार, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ऐसा है? क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ही लगाना है उसमें बताइए? आग जो जलती है, आग
आग जलती है ना कोई भी, आपके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन। जैसा हमको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आपके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। और CO2 क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको ढक देता है, वो ढक के उसके चारों बाजू में चद्दर बांध देता है, चद्दर पूरा ऑक्सीजन को घुसने नहीं देता है वो। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। ये दिमाग में रख लेना, क्योंकि आप लोग क्या समझदार लोग हो, है ना, दिमाग में रखना। बिजली का तार में